वेलकम टू डीडी क्लास। मैं डीडी रॉय। आज देखिए 7वां क्लास है। हमने इसके पहले तक मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, फ्रैक्शन इनके कुछ बेसिक्स को सीखे, कुछ हमने प्रैक्टिस किया। अब क्या है, इसके एप्लीकेशन पे उतरेंगे। एप्लीकेशन में पहला होगा कि एक साथ हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, जिसे हम इस स्लाइड में करेंगे। फिर आगे चल के जो अगले स्लाइड में होगा कि डाटा इंटरप्रिटेशन में मैक्सिमम जो परसेंटेज का है वो कैसे निकाला जाता है। तो पहले चलिए हम जरा देखते हैं, हमारे सामने जो खड़ा है स्लाइड में दिख रहा है 125 + 15 - 20। देखो हम कैसे करते हैं, जरा देख ले। हम सीधी सिंपली करते हैं 5, 5, 10, 10 का में से सुनना गया तो 0 बचा, फिर हुआ 12 और एक 13, ठीक है, 13 और एक 14, 14 में से 2 गया 12, हमने लिख दिया। फिर से मैं दोहराता हूं, देखिए कैसे किया। 5, 5, 10, 10 तो है तो 10 का सुनना होगा ना, एक तो हाथ में होगा और उस सुनने में से सुनना घटाएंगे तो सुनना होगा। अब देखिए 12 और हाथ का एक था 13, 13 के साथ एक जोड़ा 14, 14 के साथ से 2 घटाया 12। तो इसी तरह से करना होगा। पहले देखिए आपको 12 सेकंड में करना होगा, फिर 10 सेकंड में, फिर 8 सेकंड में, फिर 7 सेकंड में। मैं नहीं बोलता कि हर कोई आपके एक ही कोशिश में हो जाएगा, लेकिन 3 से 4 बार करेंगे तो देखिए ये एक रेगुलर एक फैशन में आ जाता है, एक लय के साथ आ जाता है, एक रिदम के साथ आ जाता है और इसको फिर प्रैक्टिस करना हो। इसलिए सबको मैं बोलता हूँ कि जिसको इन फाइल ये जो वीडियोज़ को है इसे ज़रूर आप डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद ये 10-12 दिन रहेगा, हर दिन 2, 3 दिन, 4 दिन इस पर प्रैक्टिस करें। तो ये क्या होगा कि आपके स्पीड को, ऐसा नहीं है कि एक ही संख्या आप बोर हो गए, ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई बोरिंग नहीं होता, कुछ नहीं होता है। प्रैक्टिस करते जाएंगे तो अल्टीमेटली देखेंगे आप अपने मंजिल तक पहुंच गए हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। हमने जैसे यहाँ पे बोला हुआ कि परसेंटेज टू डाटा इंटरप्रिटेशन। देखिए डाटा इंटरप्रिटेशन में जैसे ही हम ग्राफ वगैरह देखते हैं, टेबल्स वगैरह देखते हैं, उसके बाद वहाँ से लेके उसकी जो परसेंटेज निकालना पड़ता है, उसमें सही में क्या है ना कि अच्छे अच्छे लड़कों का बहुत सारा वक्त लगा लेते हैं, और जिससे क्या होता है कि बाद में छूट जाता है दूसरे सवाल। ये एक बेसिक प्रॉब्लम है। तो हमने जैसे ही हमने एडिशन सीखा, अब ये सब्सट्रैक्शन है। अब हम सब्सट्रैक्शन से हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं इंक्रीज, परसेंटेज ऑफ इंक्रीज निकालने के लिए। तो हम कैसे निकालते हैं इस चीज़ को पहले एक बार देख लेते हैं। जैसे दिया हुआ है, देखिए इनिशियल वैल्यू है 5.5, फाइनल वैल्यू है 6.8, तो डिफरेंस कितना होगा? हम 6.8 से 5.5 को घटाएंगे तो 1.3 होगा, 13 एक दशमलव गिर जाएगा तो 1.3 होगा। अब ये कहाँ से बढ़ा है? तो 5.5 से बढ़ा हुआ है। दैट मीन्स 1.3 × 100 डिवाइडेड बाई 5.5। देखिए अब यहाँ पे जो है हमें कैसे हम निकालेंगे? देखिए पॉइंट 13 में था, उसका पॉइंट उड़ा दिया, 5 उड़ा दिया, इसको लिख रहा हूँ मैं 13 × 100 बाई 5.5, इतना ही लिख रहा हूँ। क्यों? मैंने 6.8 से 5.5 लेस करके 1.3 लिखा, इंटू 100 कहाँ से हुआ? 5.5 लिखा। अब पॉइंट पॉइंट उड़ा दिया, चूंकि हम इसको अलग से दिखा रहा हूँ, नहीं तो यहाँ पे को बहुत ज़्यादा इलेजिबल हो जाता। अब देखिए हम 5 से काटेंगे तो 11 × 5 = 55 होगा, और 20 × 25 = 100 होगा। अब देखिए मनी मन हम क्या करेंगे, 20 को 13 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 13×2 = 26, 260। अब 260 को मैं देख रहा हूं, मेरे पास लिखा हुआ नहीं है, या तो आप कलम से फटाक से लिख सकते हैं, आपके पास वक्त है। अब 260 को हम 11 से तो भागा देते हैं, तो क्या करते हैं? तो देखिए पहले 26 देखते हैं, तो 11×2 = 22 हो गया। फिर क्या हो गया? देखिए 260 था, 26 था, 22 चला गया तो 4 बचा, 4 और 0 = 40 हुआ। तो 11×3 कितना हुआ? 33 हुआ। 33 हुआ तो बच गया कितना? 7। हमने पॉइंट डाल दिया तो 7 क्या हो गया? 70 हो गया। 11×6 = 66, 11×6 = 66 हुआ तो 4 बचा। 4 के बाद फिर चूंकि दशमलव डाला हुआ तो ऑटोमेटिक एक 0 गिर जाएगा तो 40 होगा। तो 11×3 = 33। अब देखिए एक 10 और होगा तो क्या? 70। तो ये 6.4 भी हो सकता था। और बेसिकली देखिए 23.6 आने के बाद ये ऑप्शन देके आपको आ जाता है, और सेकेंड फिगर में शायद ही कभी जाना पड़ता है। तो इसको है कि इसको अगर हम प्रैक्टिस करेंगे, और ये प्रैक्टिस भी हमें क्या करना है, अभी थोड़ा वक्त दे दिया है इसमें। देखिए आगे जब चलेंगे हम 20 सेकंड में करते हैं, जबकि देखिए इस मैथ में 30 सेकंड्स हैं, तो भी अभी हम 10 सेकंड चुराने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें बाद में ये ज़रूरत पड़ेगा। तो अभी जो है इसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो हम क्या बोलते हैं, हमने देखिए सब्ट्रैक्शन सीखा है। अब सब्ट्रैक्शन पे हम अब लिख के नहीं करते हैं, अब सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट हम लिख लेते हैं। अब ग्रोथ है, जो ये ग्रोथ है 5.5 से 6.8 है। देखिए इस ग्रोथ के नाम से बहुत सारे चीज़ होंगे जो हम आगे करेंगे, तो उसके लिए अभी तैयार हो जाते हैं। चलिए अब अगले स्लाइड से हम करना शुरू करते हैं। समय होगा केवल 20 सेकेंड।